नमस्कार दोस्तों, आज 1 मई सन 2022। दोस्तों आज के शो में हम भारतीय स्पॉन्ज आयरन के प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। स्पॉन्ज आयरन की सारी सूचनाओं तक आप तक प्रदान करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 1 मई सन 2022 दोस्तों, खबर में निकल के आ रही है कि भारतीय स्पॉन्ज आयरन का प्रोडक्शन में 9% की का इजाफा हो रहा है और ये फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर संभव हुआ है। इसकी वजह, प्रमुख वजह, कच्चे स्टील के प्रोडक्शन के अंदर तेज़ी बताई जा रही है। और ये भी खबर निकल के आ रहे हैं कि हायर क्रूड स्टील आउटपुट पुश अप स्पॉन्ज प्रोडक्शन एक्सपोर्ट जंप 25% ऑन द ईयर, मोर कैपेसिटीज टू कम आउट स्ट्रीम इन द नेक्स्ट 4 ईयर्स इंडिया स्पॉन्ज आयरन प्रोडक्शन। ये भी समझ में आ रहा है। और भारतीय स्पॉन्ज आयरन का प्रोडक्शन फिजिकल ईयर 1 अप्रैल सन 2021 से 31 मार्च सन 2021 के बीच में 37.55 मिलियन टन रिकॉर्ड हुआ है, जबकि पिछले साल ये 34.59 मिलियन टन था और ये लगभग इसमें 9% की बढ़त देखी जा रही है। ये भी खबर निकल के आ रही है कि सबसे ज़्यादा जो इंडिया टॉप प्रोड्यूसर है स्पॉन्ज आयरन के, वो AM/NS इंडिया ये टॉप प्रोड्यूसर के रूप में आए हैं। स्पॉन्ज आयरन वहाँ फाइनेंशियल ईयर 2022 में लगभग 5.34 मिलियन टन बताया जा रहा है। ये 15% की इजाफा है ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर। सेकंड स्पॉट वॉज JSPL विथ 2.54 मिलियन टन, इसके अंदर भी 14% की का इजाफा है। तीसरा स्थान JSW स्टील का है, जो कि 2.26 मिलियन टन स्पॉन्ज आयरन का प्रोडक्शन है, इसमें 15.7% का इजाफा है। टाटा ग्रुप 1.49 मिलियन टन के स्पॉन्ज आयरन का है, इसने लगभग 32% अधिक स्पॉन्ज आयरन का प्रोडक्शन किया गया है। ये था लीडिंग स्पॉन्ज आयरन प्रोड्यूसर ऑफ इंडिया विद अ परसेंटेज। स्पॉन्ज आयरन प्रोडक्शन में इजाफे का वजह हायर क्रूड स्टील प्रोडक्शन भी बताया जा रहा है। इंडियन क्रूड स्टील प्रोडक्शन 118 मिलियन टन फाइनेंशियल ईयर 2022 में रिकॉर्ड हुआ है, एज कंपेयर टू अराउंड 102 मिलियन टन इन प्रीवियस फिजिकल ईयर बताया जा रहा है। दोस्तों ये सब प्रोडक्शन इंक्रीज की वजह से स्पॉन्ज आयरन के अंदर भी अच्छा मर बताया जा रहा है। भारतीय स्पॉन्ज आयरन का एक्सपोर्ट भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ये 0.69 मिलियन टन फाइनेंशियल ईयर 2022 में था, विथ वॉल्यूम जंपिंग बाय 25% ईयर ऑन ईयर बेसिस, एज कंपेयर टू 0.55 मिलियन टन इन फाइनेंशियल ईयर 2021। यानी 25% का एक्सपोर्ट भी स्पॉन्ज आयरन का बढ़ा है। ये 0.69 मिलियन टन पहुँच गया है, जबकि पिछले साल ये 0.55 मिलियन टन था। जहाँ तक एक्सपोर्ट की बात है, नेपाल ने सबसे ज़्यादा स्पॉन्ज आयरन का इंपोर्ट किया है भारत से, ये 0.37 मिलियन टन। उसके बाद बांग्लादेश का नंबर 0.28 मिलियन टन ये इस साल हुआ है। डिमांड फ्रॉम नेपाल रिमेन स्ट्रॉन्ग ऑन राइजिंग मेल्टिंग कैपेसिटी इन द कंट्री। नोटेबली नेपाल स्पॉन्ज आयरन इम्पोर्ट फ्रॉम इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 2022 मोर देन डबल कंपेयर टू फाइनेंशियल ईयर 2021। अब स्पॉन्ज आयरन का आउटलुक के ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। इंडियन एनुअल स्पॉन्ज आयरन प्रोडक्शन कैपेसिटी इज करेंटली असेस्ड एट 59 to 60 मिलियन टन। अबाउट 20 मिलियन टन कैपेसिटी एक्सपांशन प्रपोजल हैव रिसीव्ड गवर्नमेंट अप्रूवल इन द फॉर्म ऑफ द एनवायरमेंट क्लियरेंस एंड कंसर्न टू एस्टेब्लिश CTE बिटवीन January 2021 to March 2022। These projects are expected to be completed in the next 3 to 4 years. India's spawnage iron production is expected to increase about 40 million ton in the current fiscal year and financial year 23. This is one of the important information received.
दोस्तों आप भी हमारे चैनल पर बने रहिए स्टील से संबंधित सभी जानकारियों के लिए। गौरतलब है कि यदि आप हमसे निःशुल्क लोहा बाजार के भाव चाहते हैं तो हमारा नंबर जो स्क्रीन पर है उसको सेव कीजिए और स्टील या लोहा लिख के हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भेजिए। हम आपको 3 से 5 बार दिन में निःशुल्क लोहा बाजार के इनगट ब्लेड TMT सरिया इन सब के भाव प्रोवाइड कराएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।